बार टॉस, इसके पीछे का क्या रीजन है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आज मैं आपको इस वीडियो में बताती हूँ। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। साल 2011 में पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप का कप उठाया था और उसके बाद से माननीय धोनी को भगवान माना जाने लगा। तब से लेकर अब तक टीम इंडिया इंतजार कर रही है कि कब वो चमचमाती हुई ट्रॉफी दोबारा उठाए और इस बार रोहित शर्मा से काफी ज्यादा उम्मीदें भी हैं लोगों को। लेकिन रोहित शर्मा कुछ टाइम तक तो ठीक चलते हैं, लेकिन उसके बाद उनकी कप्तानी थोड़ी बहुत डामाडोल हुआ करती है। लेकिन छोड़िए, हम आज बात कर रहे हैं साल 2011 की। साल 2011 में आखिर क्यों दो बार टॉस किया गया। देखिए, साल 2011 में वर्ल्ड कप का जो फाइनल था वो भारत और श्रीलंका के बीच खेला गया था और फाइनल वर्ल्ड कप का फाइनल टीम इंडिया फाइनल में पहुंच गई थी और उसके बाद पूरा मैदान खचाखच भीड़ से भरा हुआ था। हर तरफ भारत के और श्रीलंका के समर्थक मौजूद थे, लोगों में जबरदस्त उत्साह था। लेकिन श्रीलंका के कप्तान कुमार संगकारा, जो उस वक्त कप्तान थे टीम के, वो बताते हैं कि उस वक्त दो बार टॉस किया गया था। देखिए, अमूमन ऐसा होता नहीं है कि किसी भी मैच में दो बार टॉस हो, ऐसा बहुत ही बड़ा कोई कंफ्यूजन होता है या फिर कुछ बहुत ही बड़ी कोई घटना घट जाती है जिस वजह से दो बार टॉस किया जाए, लेकिन अमूमन दो बार टॉस नहीं होता है और दो बार टॉस होना अपने आप में ही इतिहास बन जाता है। लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप में दो बार टॉस हुआ था और ये इतिहास बन गया। तो मैं आज आपको शब्दशः बताऊंगी कि कुमार संगकारा ने, जो उस वक्त श्रीलंका के कप्तान थे, उन्होंने क्या खुलासा किया था। देखिए, कुमार संगकारा कहते हैं, यह भीड़ बहुत ज्यादा भीड़ थी, श्रीलंका में ऐसा कभी नहीं होता है, ये सिर्फ इंडिया में होता है। एक बार ईडन गार्डन में ऐसा हुआ था जहां मैं फर्स्ट स्लिप पर खड़े खिलाड़ी से अपनी बात नहीं सुन पा रहा था और फिर वानखेड़े में मुझे टॉस बोलने पर याद है माही को कंफर्म नहीं था कि मैंने क्या कॉल लिया है। अब देखिए, कुमार संगकारा बताते हैं कि माही को कंफर्म नहीं था कि कुमार संगकारा ने आखिर बोला क्या है। संगकारा आगे बताते हैं, उसने मुझसे पूछा कि क्या तुमने टेल्स बोला है, उसने कि यानी कि यहाँ पे वो महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं और मैंने कहा नहीं, मैंने हेड्स बोला है। फिर मैच रेफरी ने कहा कि मैं टॉस जीत गया हूँ, लेकिन माही ने कहा कि मैं नहीं जीता हूँ, इसलिए वहां थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था और माही ने कहा चलिए दूसरा टॉस देखते हैं। और उस वक्त मैं आपको बता दूं कि टीम इंडिया 6 विकेट से ये वर्ल्ड कप जीत गई थी और कहीं ना कहीं बताते हैं कि धोनी ने छक्का लगाकर इस मैच को खत्म किया था, माफ कीजिएगा, इस मैच को खत्म किया था और साल 2011 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया के हाथों में था। तो इस तरीके से दो बार टॉस होने का इतिहास बन गया और टीम इंडिया ये मैच जीत गया। तो आप महेंद्र सिंह धोनी की सूझबूझ और इसी के साथ 2011 में जीते गए वर्ल्ड कप को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ क्रिकेट से रिलेटेड और भी किस्से कहानियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।